Hello students, here I am Roshan. Welcome back to Roshan class. Today in this video, we will do quiz of chapter 4, which is I want. You know that what happened when we try to be someone else. आपको पता है ना कि अगर हम लोग किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, गलत ही होता है. In this story, there was a little monkey who did not like himself. He always liked other. He wanted to be like other animals. You have already read this chapter. यह चैप्टर आप पढ़ चुके हो और आपको पता है कि इस स्टोरी में एक छोटा सा बंदर था जो अपने आप को पसंद नहीं करता था. वो दूसरे जानवर को पसंद करता था और दूसरे जानवर की तरह बनने की भी कोशिश करता था. लास्ट में यही होता है कि दूसरे जानवर की तरह बनने की कोशिश तो किया बट तो इतना उसका जो लुक था वो बिल्कुल डेंजरस हो गया. इसीलिए कहा जाता है कि वी आर द बेस्ट एंड वी शुड नॉट बी लाइक एनीवन. हम लोग जैसे हैं ना, हम लोग बेस्ट हैं और हम लोग को दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट वाज द मंकी वांट टू बी. दिस मींस मंकी जो था, बंदर जो था, वो क्या बनना चाहता था. देयर आर 3 ऑप्शन एंड यू विल राइट ओनली 1 ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट. ओके, आपको सिर्फ एक ऑप्शन लिखना है जो आपका करेक्ट है. टू बी फैट, वो मोटा बनना चाहता था. टू बी स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत बनना चाहता था, ताकतवर बनना चाहता था. कि थर्ड, टू बी ब्यूटीफुल, कि ब्यूटीफुल बनना चाहता था. यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता क्या है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं. तो वट डू यू मीन बाई बींग ब्यूटीफुल, इसका मीनिंग क्या है. बींग ब्यूटीफुल डज नॉट मीन अच्छा दिखना नहीं होता है. ये नहीं कि ब्यूटीफुल मीन्स सिर्फ अच्छा दिखना ही होता है. इट इज़ रॉन्ग. बींग ब्यूटीफुल मीन्स वी शुड बी फनी, वी शुड बी विटी, वी शुड बी टैलेंट, वी शुड बी क्रेजी, वी शुड बी इंटेलिजेंट, वी शुड बी एडवेंचर्स, वी शुड बी काइंडनेस, वी शुड बी ऑनेस्ट एंड लास्ट वी शुड बी प्योर सेल्फ. आप जैसे हो वो आपका मेन ब्यूटीफुल है. हमें दूसरे की तरह कॉपी नहीं करनी चाहिए. हमारे अंदर जो क्वालिटी है ना, वो हमारा मेन ब्यूटीफुल है. ओके, ये नहीं कि कोई अच्छा दिखा, कोई सुंदर दिखा, कोई स्मार्ट दिखा तो वो ब्यूटीफुल होता है. ये हमारा जो थिंकिंग होती है ना, यहाँ पे गलत होती है. क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी टैलेंट होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिमाग होता है, इंटेलिजेंट होते हैं. कुछ लोग बहुत फनी टाइप के होते हैं, मजाकिया टाइप के होते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं. तो ये उनका मेन ब्यूटीफुल है. ओके, यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्ट बाय अदर. ये नहीं कि दूसरे के द्वारा जो भी मतलब हीरो हीरोइन है उसका हम कॉपी किए और कॉपी कर करके सेम वैसा हम बनने की कोशिश करेंगे. नहीं, ये गलत होता है. हमें उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लुक को नहीं. तो लुक हमारा ब्यूटीफुल नहीं होता है, क्वालिटी हमारी ब्यूटीफुल होती है. ओके, तो आपको पता होगा कि मंकी जो था वो क्या बनना चाहता था. मोटा बनना चाहता था, स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था कि ब्यूटीफुल बनना चाहता था. यहाँ पे पिक्चर है, इसे आप गेस कर सकते हो वो क्या बनना चाहता था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द वाइज वुमन गिव टू द मंकी. दिस मीन्स जो बुद्धिमान लेडी थी, क्योंकि उसके बातों को वो सुनती है, तो उसने बंदर को क्या दिया. देयर आर 3 ऑप्शन. मैजिकल वांड, सेकेंड बनाना, थर्ड बोथ, कि दोनों चीज़ दी. जादुई छड़ी दी कि केला देती है कि दोनों देती है. इट इज़ हिंट फॉर यू. आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लेडी है, ये बंदर है. देखो बंदर को उसने क्या दिया है, आप देख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु केम देयर फर्स्ट वेन मंकी एंड वुमैन वर टॉकिंग टू इच अदर. दिस मीन्स मंकी और वुमैन दोनों जब बातें कर रही थी तो सबसे पहले कौन आया. देर आर 3 ऑप्शन. फर्स्ट लायन, बी एलिफेंट, सी जिराफ. आप पढ़े होंगे, आप देख लीजिएगा सबसे पहले कौन आया. अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लेसन को रीड करोगे और आप उसे फाइंड आउट करोगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट विश ऑफ द मंकी वाज. मंकी का जो पहला विश था वो क्या था. फर्स्ट टू बिकम अ किंग, राजा बनना. बी लॉन्ग नेक, या उसका गर्दन काफ़ी लंबा हो जाना, ये पहला उसका विश था.
किसी बनाना कि केला बनना चाहता था वो. देर आर थ्री ऑप्शन. ओके द फर्स्ट विश ऑफ द मंकी वॉज, यहाँ पे आपका मंकी है. ओके आप इसे करेक्ट कर लोगे. के ई वाई मंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. विच एनिमल्स नेम हैज नॉट मेंशन इन दिस चैप्टर. क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत सारे एनिमल को मेंशन किया गया था, बट इसमें कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका मेंशन नहीं किया गया है. देर आर थ्री ऑप्शन. फर्स्ट बियर, सेकेंड जिराफ, थर्ड जेब्रा. ये आपका हिंट है, आप इसे देख सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. कंप्लीट द वर्ड एम डैश एन एस डैश ई आर. देर आर थ्री ऑप्शन. ए टी, ओ टी, टी ओ. देखिए ये एक ऐसा वर्ड है, अक्सर हम लोग को बुक में वर्ड दे देता है और उसको देता है कंप्लीट करने के लिए. जब तक हमका उसका मीनिंग अच्छी तरह से स्पेलिंग उसका याद नहीं रहेगा तब तक आप इसे क्लियर नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा लेटर यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, इसमें फिलअप करेंगे जो हमारा एक प्रॉपर वर्ड बनेगा. इट इज़ हिंट फॉर यू. ये आपका वो वर्ड है, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है ना. अब इस पिक्चर को हम लोग क्या कहते हैं इसे आपको राइट करनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन. हाउ डिड मंकी रिएक्ट व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ इन द वाटर. अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बंदर क्योंकि सबकी तरह बनने की कोशिश करता है तो सारे क्योंकि उसके पास जादुई छड़ी रहती है तो जादुई छड़ी द्वारा सारे जानवर की तरह उसका बन जाता है. किसी की तरह गर्दन बन जाता है, किसी की तरह नाक बन जाता है, किसी का वो बॉडी पा जाता है. तो लास्ट में वो अपने आप को देखने के लिए वो नदी में जाता है, वहाँ पे पानी रहती है क्योंकि पानी में आप कभी भी देखोगे ना आपका परछाई दिखता है. ओके तो वो अपना देखने के लिए जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ. तो देयर आर थ्री ऑप्शन. देखने के बाद क्या रिएक्ट करता है उसका बताओ क्या होती है. हैप्पी, एंग्री, स्कैर्ड. आप इसे आप देख सकते हो कि कैसा वो फील किया है, उसे आपको राइट करनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर एट. आइडेंटिफाई द नाउन. यू नो डैट व्हाट इज नाउन. अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, अ थिंग. ओके तो यहाँ पे सेंटेंस आपका अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका जो है वो एक बहुत ही ग्रेट किंग है. देर आर थ्री ऑप्शन. ग्रेट हमारा नाउन होगा, अशोका इज नाउन, आर वॉज इज नाउन. अब यहाँ पे थ्री ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि हमारे इसमें नाउन क्या होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन. फिल इन द ब्लैंक्स. आई वॉन्ट डैश लाइक जेब्रा. लेग्स, देर आर थ्री ऑप्शन एंड यू विल राइट ओनली वन ऑप्शन. ओके लेग्स, नेक या स्टाइप्स. यहाँ पे जेब्रा की तरह वो जो बंदर था तो जेब्रा की तरह क्या चीज़ वो चाहता था कि जेब्रा की तरह वो हो जाए. आप इसे देख लेना, उसकी धारी जो बॉडी पे होती है वैसा वो चाहता था. उसके पैर चाहता था कि उसका पैर की तरह मेरा पैर हो जाए या उसके गर्दन की तरह मेरा गर्दन हो जाए. आप पढ़े होंगे आपको पता होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. काउंट एंड राइट. हाउ मेनी एलिफेंट्स आर इन दिस पिक्चर्स. यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है. इस पिक्चर्स में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं बट इसे आपको काउंट करना है कि ये कितने एलिफेंट्स हैं. यहाँ पे थ्री ऑप्शन है, फोर, फाइव, थ्री. जो आपका होगा इसे आप काउंट कीजिएगा, इसे आप राइट करिएगा. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.